सोलन नगर निगम में चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। चुनावों को लेकर पार्षद अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए नए वोट बना रहे हैं और नए युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सोलन नगर निगम बन चुका है और यहाँ कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया है, कमिश्नर ने जितने भी नए मतदाता हैं उनके यहाँ सम्मन भेजकर उन्हें नगर परिषद कार्यालय पहुंचने के आदेश दिए हैं, ताकि मतदाताओं की पहचान की जा सके कि वह मतदाता वास्तविक है और उनके द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ये आदेश अब नगर निगम के पार्षदों को पसंद नहीं आ रहे हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया का नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध भी किया। इस कार्य प्रणाली पर जहां एक ओर मैदान में पहुंचे शहरवासी ने अपनी अपनी समस्याएं मीडिया के समक्ष रखी, वहीं पार्षदों ने भी ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाही से जहाँ कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, वही नए मतदाताओं में इस प्रणाली की जटिलता के कारण उदासीनता भी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी टोकन के मैदान में बिठा दिया गया है, लेकिन जब उन्होंने ऐतराज किया तो अधिकारियों द्वारा टोकन जारी किए गए हैं। हो रहा है इस तरह का, और जैसे कि ये 50 रुपये और 5 रुपये वोट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चैलेंज वोट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं भी वार्ड का नुमाइंदा हूँ, नॉमिनेट पार्षद हूँ वार्ड नंबर 6 से। मैंने अभी कौन से कमिश्नर साहब से बात की है कि मैं कहा सर आप इनको घर जाके भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कोविड टाइम में, तो उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी, जो लॉ में मैं वो कर रहा हूँ। जो लॉ मैंने देखा है तो उसके अंदर लिखा है कि 50 रुपये या कोई ऑब्जेक्शन करे तो चलो आपने चेक भी करना है। तो हमने इनको ये बोला, काउंसलर सारे खड़े हैं यहाँ पे, आप हमारे साथ कोविड का चक्कर है, कुछ लोग बीमार भी थे, एक बच्चे को टाइफाइड था, हो सकता है अभी ये थोड़ा रश कम हुआ लोग उठ के चले गए, कि हमें पता है कि हम घरों से फ़ोटो लेके, आधार कार्ड लेके, फॉर्म भरवा के, साइन करवा के यहाँ लेके आए। अब इनको मैंने बोला कि आप घर जाके आइडेंटिफाई करो, इट इज़ आर नॉट ड्यूटी टू आइडेंटिफाई दम। अब किसकी ड्यूटी है ये, तो अब काउंसलर तो नहीं आइडेंटिफाई करा सकता, आधे लोग उठ के चले गए हैं। हमारी 100 वोटें थी, मुझे लगता है 100 फॉर्म इन्होंने बांटे थे, 100 में से सिर्फ 15 लोग आए, जो कि उसमें से 6 भी नाराज होकर चले गए। अगर लोगों को मत का अधिकार नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से, डीसी साहब थे, कि इलेक्शन कमीशन से बात कीजिए, आप कोविड टाइम के अंदर बेशक घर जाके वोटों को आइडेंटिफाई करना है, वी काउंसलर्स आर रेडी टू गो विद देम। और उससे अच्छी आइडेंटिफाई होगी कि जो आदमी घर पे है उसकी फ़ोटो भी चेक होगी, आधार कार्ड भी चेक होगा, घर भी चेक होगा, और यहाँ पे कोविड का भी चक्कर नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का 30 लोगों का नोटिफिकेशन जारी है और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से लोगों को इकट्ठा करके भीड़ लगा के क्या साबित करना चाह रहे हैं और वोटर्स पे शक कर करके। ठीक है, आपने जो करना है करिए, पर हमें ये चाहिए कि आप काउंसलर्स की सहायता ले लीजिए या अपने डिपार्टमेंट की, आप घर जाके वोटर्स को आइडेंटिफाई करें। अपनी वोट बनाने पहुंचे सोलन के युवाओं ने कहा कि उन्हें सुबह ही कार्यालय बुला लिया गया था और उन्हें बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के बिठा दिया गया है, जिस कारण वे कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां उन्हें बिठाया गया है वहां धूल मिट्टी और धूप बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वे घर घर आकर मतदाता की पहचान करें, अगर ये संभव नहीं है तो मैदान में उचित व्यवस्था करें और समय के हिसाब से उन्हें बुलाया जाए, ताकि उनका समय भी बर्बाद न हो। प्रीतम सिंह, मैं वार्ड नंबर 5 से हूँ और मैं यहाँ पे वोटें मेरी कट चुकी थी, तीनों घर की वो बनवाने आया हूँ, और यहाँ पे इतना रश है कि हद से ज़्यादा। इधर से मैं बीमार हूँ, देखो मुझे ये दांत, देखो मेरा स्वेलिंग है, मगर मुझे फिर भी आना पड़ रहा है। बट यहाँ पे इतना दूर लग रहा हूँ, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही किसी चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे, और हद से ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने काम ख़राब कर रखा है। और एक मैं और दिखाना चाहता हूँ, मेरी मम्मी का नाम है क्षमा देवी और उनका वाइफ ऑफ हरभजन सिंह आना चाहिए था, बट मेरा नाम लिखा गया वहाँ पे प्रीतम सिंह। ये तो देखें, जो पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हैं, जो 50-80 हज़ार रुपये तनख्वाहें ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये भी देखें आप। और हम बहुत परेशान हैं, और इन्होंने कहा था कि हम घर में आके आपके आइडेंटिफाई करेंगे, बट यहाँ पे एक ही दिन में 17 वार्ड 15 वार्ड कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये। और यहाँ पे धूप भी है ना, यहाँ पे पानी का है कुछ ना कुछ है, और सारे अपना काम छोड़ के आए हुए, कोई स्टूडेंट है, कोई दुकानदार है, कोई हाउस वाइफ है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कहने में जीरो है यहाँ पे काम और कुछ नहीं। और कोरोना इस तरह से सोलन में फैल रहे हैं, कल भी बहुत केस आए यहाँ पे, बट यहाँ पे किसी एक को भी हो गया तो आने वाले समय में कल परसों तक 12-15 आदमी और यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर यहाँ पे सही ढंग से सिस्टम सही नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का। तो मेरा नाम दिशा गुप्ता है और मैं सोलन की रहने वाली हूँ, और हमें सुबह से 10 बजे से यहाँ पे बुलाया है, 10:30 से, और इन्होंने इतनी धूप में बिठाया है। अगर इनको आइडेंटिफिकेशन करनी थी, ये हमें अब हमारे घर पे आके, हम लोकल के रहने वाले हैं तो हमारे को वहीं पर आके हमारी आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे, और ऊपर से तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे ज़्यादा, और कोरोना के पेंडेमिक के कंडीशन में भी ये लोग
यहीं पर हमारे इतनी धूप में बिठा के रख रहे हैं। उनको टोकन्स बांटने चाहिए थे और हमारे टोकन्स के बिहाफ पे बुलाना चाहिए था कि हम लोग सीरियल वाइज आते और हम आराम से अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा के जा सकते थे, बट इन्होंने अब बांटे हमारे को। करीब 12 बज गए हैं और अब इन्होंने हमारे को टोकन्स बांटे और अब हमारे को बोल रहे हैं कि वेट करो।